Good morning. This is the third lecture on numerical classes. Okay, we are going to study chemical kinetics. Okay, before this, I have taken two lectures on chemical kinetics, and today is the third lecture of chemical kinetics related to the numerical aspect. Okay. तो पिछले दिन हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया है बनाया बच्चों की नहीं, उसमें दिए थे T99% किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 99% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वह 90% रिएक्शन के कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसका क्या होता है, ट्वाइस होता है, दो गुना होता है। ये हम होमवर्क दिए थे और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल बता दिए थे। हम आशा करते हैं आप लोग से बन गया होगा, यदि किसी से नहीं बनेगा तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कर देंगे। ओके, इसमें आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बस दो ही फॉर्मूला याद रखना, K is equal to 2.303 by T log A by A minus X, बता चुके हैं, इसे रिपीट कर लेते हैं। और दूसरा फॉर्मूला बताया थे क्या, T half is equal to 0.693 by K। ये दोनों फॉर्मूला जो वैलिड है किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर के, किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर के। आज जो है हम न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल क्लास का लेक्चर नंबर थ्री बताने जा रहे हैं। ओके, लेक्चर नंबर थ्री बताने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किए होंगे, इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स में हम लेक्चर वन और टू बता दिए हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सब टाइप का न्यूमेरिकल बता देंगे कि आपको निश्चित रूप से बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, आप जो है लेक्चर को, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। कहता है फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 5 मिनट पश्चात मनवा बाद 0.6 मोल पर लीटर प्रारंभिक सांद्रण, देखो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, सांद्रता को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन, 0.4 मोल पर लीटर रह जाता है। कहता है 0.3 मोल पर लीटर सांद्रण कंसंट्रेशन शेष रहने में कितना समय लगेगा। ओके, न्यूमेरिकल को आप समझिएगा। कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना,
कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सौंदर्य है 0.6 मोल पर लीटर दिया हुआ है, और तुमको थ्योरी में बताए हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटता है, और यह 5 मिनट के बाद घटकर कितना शेष बच गया, 0.4 मोल पर लीटर शेष बच जाता है ना, इतना इनिशियल कंसंट्रेशन इतना मोल पर लीटर रह जाता है, मतलब शेष बच जाता है। इस लाइन का अर्थ समझे आप, इसका अर्थ समझे, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.6 और 5 मिनट के बाद घट के ये हो गया शेष बच गया कितना 0.4। तो आपको बताना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जब 0.6 है उसको घट के 0.3 मोल पर लीटर शेष रह जाने में, शेष बच जाने में कितना समय लगेगा, समझे। फिर से बता, 0.6 जो है वह 5 मिनट के बाद इतना बच जाता है, तो कहता है कि 0.6 जो है कितना समय के बाद 0.3 मोल पर लीटर शेष बच जाएगा, यानी जस्ट उसका आधा हो जाएगा, समझ में, इतना आधा हो जाएगा। जस्ट जो है इसको हाफ लाइफ से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि जस्ट आधा कह रहा है, ओके, आधा कह रहा है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उससे भी बनाने के लिए तो आपको के चाहिए ही चाहिए, है ना। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, गिवन, मैंने दिया क्या दिया है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए आपको दिया है 0.6 मोल पर लीटर, ओके, और कितना समय के बाद, ये 5 मिनट के बाद यह कितना रह जाता है 0.4 शेष रह जाता है, ये समझा क्या दिया है। अभी तक जो प्रॉब्लम बताया उससे ये अलग है, इसके पहले वाला हम आपको बताते थे कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वह 25% कंप्लीट होता है 15 मिनट, इसका मतलब क्या है कि 25% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, यानी वहां पर x दिया हुआ, क्या दिया हुआ था x, लेकिन यह x नहीं है, यह 0.4 मोल पर लीटर क्या है, शेष रह जाता है, शेष बच जाता है। तो बता दो गौतम कुमार ये क्या दिया हुआ है, बताइए गौतम कुमार बताइए ये क्या दिया हुआ है, ये a माइनस एक्स दिया हुआ है, विकास कुमार बताओ क्या दिया है, a माइनस एक्स दिया है 0.4 मोल पर लीटर रह जाता है। तो सबसे पहले इस डाटा से हम क्या करेंगे, k निकालेंगे, इससे क्या करेंगे k फाइंड आउट करें। हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक हम क्या जानते हैं, के इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, है ना। इससे हम क्या करेंगे, के निकाल लेंगे, a इक्वल टू है 2.303 बाय t के जगह बैठा देंगे 5 log a के जगह है 0.6 a माइनस x के जगह कितना 0.4 a इक्वल टू 2.303 बाय 5 log 1.5 देखो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया 6/4 दूस बाय के 3/2 3 में दूस बाय के कितना 1.5 है ना। इससे हम क्या करेंगे के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। और आपको बताए हैं कि लॉग का वैल्यू तो याद करने का चीज है, इसको हम टेबल से देख के बैठा देंगे। तो देखो लॉग जो है, ये लॉग जो है 1.5 का वैल्यू कितना है दिया हुआ बच्चों, लॉग 1.5 का वैल्यू है तुम्हारा 0.1761, के इक्वल टू दिया है तुम्हारा 2.303/5, है ना, और लॉग 1.5 का वैल्यू कितना है 0.176।
ओके इसीलिए सर क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा 8.1 × 10⁻²। ये समझे कहोगे सर ये कहाँ से लाए, पहले बोले कि लॉग जो है ये वैल्यू रखने की चीज नहीं है, आप टेबल से देखो किताब से देख के लिखे ना, ये बुक से देख के हम लिख दिए लॉग 1.5 की वैल्यू होता है 0.1761। इसको रहने दिए, इसका वैल्यू इतना बैठा दिए, इसे 5 से डिवाइड कर दिए तो के कितना आ गया 8.1 × 10⁻²। अब आपको बताया है कि के का वैल्यू जो है ये सिर्फ टेम्परेचर बदलने से के का मान बदलता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से के का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इसीलिए 0.4 होने 0.4 से बच जाने के लिए जो के का वैल्यू होगा वही के का वैल्यू किसके लिए होगा 0.3 के लिए भी के का वैल्यू क्या रहेगा वही। 0.3 क्या हुआ, जस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हुआ, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये हाफ लाइफ हमको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हाफ लाइफ, या तो आप हाफ लाइफ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा 0.693 इसे भी बना सकते हैं, या दूसरा क्या है फिर उसी प्रोसेस को यूज करेंगे। ओके फ्रॉम हाफ लाइफ, हाफ लाइफ है ना, और क्वेश्चन हाफ लाइफ क्यों लगाए तो आपको पहले पता है 0.6 है, कहता है 0.3 से इस बस जाने में कितना समय लगेगा, तो हाफ लाइफ का डिफिनेशन क्या बताया, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाने में जितना समय लगता है उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। तो हाफ लाइफ का तो हम व्यंजक जानते ही हैं, डायरेक्ट लगा देंगे जी हाफ = 0.693 × 8.1 × 10⁻²। इसमें आप भाग दीजिएगा कितना है 8.5 मिनट, यही नंबर क्या आंसर समझे न समझे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। के जैसे निकाले तो कहता है कि जस्ट आधा होने में कितना समय लगेगा, जस्ट आधा का मतलब क्या हुआ, जस्ट आधा का मतलब हुआ कि हाफ लाइफ पूछ रहा है ना, इसी हाफ लाइफ को आप कर सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं टी कितना लगेगा 8.5 मिनट, यही हमारा क्या आंसर। ओके यानी टी हाफ और टी इस केस में दोनों कितना सेम, कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम समझने में बताओ नो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, सब टाइप का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं ये NCERT का जो है एक्सरसाइज का है 4.16। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.16 कहता है फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक या कहीं कहीं लिखेगा दर स्थिरांक 60 पर सेकेंड है, रिएक्टेंट को
अपनी प्रारंभिक सांद्रण से प्रारंभिक सांद्रण से एक बटा सोलह मा भाग पर जाने में कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा इधर बिठाते हैं देखिए प्रॉब्लम समझिए क्या कहता है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट का वैल्यू दिया वेलोसिटी कांस्टेंट का वैल्यू के आपको दिया हुआ है कितना 60 पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा दर स्थिरांक कहिए या वेग स्थिरांक अब कहता है रिएक्टेंट को अपनी प्रारंभिक सांद्रण इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 भाग शेष बच जाने में कितना समय लगेगा तो जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है तो मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए कितना 1 mole/liter कॉमिशर 100 नहीं देगा 100 ही लीजिएगा 100 लीजिएगा तो उसका 16 भाग 1 लीजिएगा तो उसका 16 भाग समझ रहे हैं ना उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है जो भी आप वैल्यू लीजिएगा उसका 16 भाग 1/16 भाग शेष बच जाने में कितना समय लगेगा बता तो क्या दिया है a माइनस x दिया है 1/60 है ना तो कहता है इसको होने में कितना समय लगेगा नहीं बनेगा वेरी सिंपल फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपको बता चुके हैं a=2.303/t log a/a-x है ना और आप a की जगह बैठा दीजिए 62.303/t log a की जगह देखो 1 a-x की जगह क्या बैठा 16 एक जगह 1 बैठा दिए माइनस एक्स की जगह क्या बैठा दिए 60 क्या दिक्कत आवाज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बच्चों हम सब टाइप का न्यूमेरिकल बता देते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा समझ रहे हैं ना और हर चैप्टर का बता देंगे आप निश्चित रहिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव बता दें चूंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा पहले न्यूमेरिकल से आपका बता देते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता देंगे ओके एकदम न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर देंगे एकदम एक भी क्वेश्चन बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा आप इसके लिए निश्चिंत रहिए ओके तो देखो टी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं टी को यहाँ कर देते हैं 60 यहाँ आ जाएगा therefore t=2.303/60 log ये डिनोमिनेटर में 60 ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में अब log 16 का एक तरीका है कि टेबल देख कर लिख देंगे और दूसरा तरीका आपको बताए log 2 का वैल्यू याद रखना और उस पर इसको सेट करो log 16 को क्या लिख सकते हैं 2^4 ओके 2.303/60 log m पर पावर n क्या हो गया n log m t 2.303/60 into 4 log 2 का मान बताएं 3010 अब सब को गुना बांट कर दें जो आएगा वही हम सब समझ गए इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं तो देखो इसका आंसर जो आ जाता है तुम्हारा कितना आ जाता है 0.0462
0.0462 ग्राम सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 4.6, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड भी करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 4.6 × 10⁻²। कैसे वजन दे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हो गया 4.6, 100 से डिवाइड करेंगे 10⁻², 2 ऊपर जाएगा क्या -2 इतना। ओके यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है 1 उसका 16वां भाग होने में कितना समय लगा 0.0462 सेकेंड लगा, इतना समय में इनिशियल कंसंट्रेशन 1 जो है घट के क्या हो जाएगा 1/16। ये जो है क्वेश्चन, ये जो है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 4.13। देखो हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया, बुक से देखिएगा। इसमें कहता है नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से हाफ लाइफ को गणना करें। इसमें देखो 3 दिया हुआ है, इसमें कहता है वेग स्थिरांक से हाफ लाइफ की गणना करें। ए का वैल्यू दिया है 200 पर सेकेंड, दूसरा दिया है 2 मिनट पर मिनट, तीसरा में दिया है 4 पर ईयर। के का वैल्यू तुम्हारा दिया होगा तो क्या कहता है इसके लिए हाफ लाइफ निकालिए, इसके लिए क्या निकालिए हाफ लाइफ निकालिए। ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं निकलेगा। ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर के रिएक्शन है तो कहता है टी हाफ क्या बोलो निकलेगा, इसके लिए भी पूछता है टी हाफ का ये क्वेश्चन, इसके लिए भी पूछ रहा है टी हाफ का। आप जानबे करते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा क्या के, अब के का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा, जो आएगा वही तुम्हारा क्या आंसर होगा। यहाँ यदि सेकेंड है तो इतना दीजिएगा सेकेंड, समझे, फिर भी निकालिएगा केक वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिएगा तो इतना क्या लिखिएगा मिनट, फिर केक का वैल्यू 1 बार छोड़ दे दीजिएगा तो इतना क्या लिखिएगा आप। ओके कंफ्यूज नहीं करना, यदि सेकेंड केक का वैल्यू पर सेकेंड है यहाँ हाफ लाइफ जितना भी आएगा उतना होगा सेकेंड, यदि हम यहाँ मिनट लेंगे यहाँ क्या लिखेंगे मिनट, यदि आवर लेंगे यहाँ आवर, यदि ईयर लेंगे यहाँ पर वैल्यू क्या देंगे बन जाएगा तो सिंपल है। यह एक्सरसाइज का 4.13 नंबर प्रॉब्लम। ओके कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बनाइएगा एक्सरसाइज हम बताते हैं, इसके साथ साथ आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि बस खाली कॉपी में उतार लिए बस हो गया। ये जो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज जो है तुम्हारा 4.14 है ना। ओके इसको हम बोलते हैं लिखते हैं कहता है C14 रेडियो सक्रिय 6 की हाफ लाइफ 57
हियर हैव ओके ए पुरातत्व एक पुरातत्व कलाकृति कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा है ओके नमूने की आयु का परिकलन कीजिए या गणना कीजिए देखिए हिसाब बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सबसे पहले जानो बच्चों ये C14 है क्या ये C14 जो है एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है रेडियो सक्रिय तत्व तो है इससे स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेगी ना और C14 का हाफ लाइफ जो है C14 का हाफ लाइफ लगभग 5700 वर्ष होता है दिया है 5730 वर्ष याद रखिएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि C14 का हाफ लाइफ कितना होता है याद रखिएगा लगभग 5700-5800 इसी आसपास में च्वाइस देता है कभी 5700 च्वाइस मिल जाएगा कभी 5800 मिलेगा वही 5700-5800 वर्ष इसका क्या है हाफ लाइफ है एग्जैक्ट फिगर देखो दिया है 5730 वर्ष अब कहो सर C14 का यूज हम लोग कहाँ करें C14 का यूज हम लोग करते हैं कोई लकड़ी कोई वुड जो है वुड मीन्स लकड़ी जो बहुत पुराना तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा रखा गया है बहुत लकड़ी बहुत पुराना लकड़ी है मान लो तुम्हारे दादाजी जो है उनके दादाजी दादाजी के जो दादाजी हैं मैंने उनके दादाजी तुम्हारे दरवाजे पर क्या किए हैं शीशम का लकड़ी शीशम का जो सिल्ली होता है वह सिल्ली तुम्हारे दरवाजे पर रखा हुआ है ना वह कितना है कितना दिन पहले रखा हुआ है आठ दस पुस्त पहले का जो पूर्वज थे तुम्हारे दादा के दादा वही रखे हुए थे तुम्हारे दरवाजा पर वो सिल्ली अभी भी पड़ा हुआ है और तुमसे अभी पूछ देगा आज 2020 में कि बताओ जी यह लकड़ी का लाइफ क्या है मैंने यह लकड़ी कितना दिन पहले काटा गया यह लकड़ी जो है कितना दिन पहले काटा गया तो पुराने लकड़ी का एज का पता हम लोग एक टेक्निक के द्वारा करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं C14 टेक्निक C14 मेथड के द्वारा हम लोग पुरानी लकड़ी के एज का पता करते हैं तो कहोगे सर कैसे पता करें तो पता ऐसे करते हैं कि जो लकड़ी है दस पुस्त पहले का उसमें देखेंगे कि C14 अभी कितना है बचा जैसे यहाँ देखो कितना लकड़ी बचा हुआ है C14 कितना बचा है 80% कार्बन की मात्रा है जो पुराना लकड़ी है उसमें C14 की मात्रा कितना बचा हुआ है 80% जो है C14 की मात्रा बचा हुआ है हमको बताना है कि उस नमूना का जो है वो लकड़ी जो है उसका आयु क्या है तो सबसे पहले आप देखिए कि हाफ लाइफ आपको दे दिया है जी हाँ 5730 है ना इससे हम क्या करें और ये भी जान जाएगी रेडियो एक्टिव क्षय ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि रेडियो सक्रिय क्षय क्या है यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है देखो दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा रेडियो सक्रिय क्षय रेडियो एक्टिव जीके क्या है यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है एक दूसरा C14 का हाफ लाइफ क्या है 5730 ईयर्स तो चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है इसका हम क्वेश्चन लगा देंगे ना
from half nine. T half is equal to 0.693 by k. है ना, इससे हम क्या किए k इक्वल टू जीरो टी हाफ दे दिए कितना 5723 0.693 by k. therefore k इक्वल टू 0.693 by 5723 पर यार यार क्या देखो के निकाल। अब कहता है हो गया कि हाफ लाइफ के निकाल दिया, क्यों निकाल लिए? क्योंकि रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन है, लाइन समझना। कहता है एक पुरातत्व कलाकृति, मैंने कोई कलाकृति कोई लकड़ी जो है पुराना लकड़ी की तुलना, वो कहता है एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में, मैंने कोई पुराना लकड़ी जो है, कहता में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना, जीवित जो वृक्ष है उसमें मान लिए सी 14 कितना है 100, सी 14 कितना है परसेंट दिया है तो मान लिए क्या 100। वही कह रहा है कि एक पुराना लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में कितना है 80% कार्बन की मात्रा बचा हुआ है। तो कहता है नमूना हाफ लाइफ लिखा है, हम मान लेंगे कि जिस समय लकड़ी जीवित था ना, शुरू में हम मान लिया क्या रेट मसल कंसंट्रेशन रेट कितना मान लिए 100, और 5730 वर्ष के बाद वह कितना बच गया 80%, 100 का 80% 88 होगा, अके हमला दिया हुआ है, ये है दिया नहीं हुआ के का मान निकाल। अब हम क्या करें इस पर हम फॉर्मूला बैठा लिखें फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वल टू 2.303 by g log a by a minus s है ना, हमको t चाहिए, therefore t is 3 by k log a के साइड आते हैं 100 t is equal to 2.303 by k, k के मान का तो कितना 0.693 by 5723 होगा log 5/4 और log 5/4 के बिल 5/4 मतलब क्या होगा 1.25। ओके इस मन से 100 5/4 1.25 और log 1.25 के वैल्यू पहले ही बताए हैं, देख के लिखना होगा t इज इक्वल टू 2.303 गुना ये ऊपर चला जाएगा 5730 बाय 0.69। अब log 1.25 log 1.25 का वैल्यू होता है 0.969 कितने में, फिर देख लेते हैं कितना है 0.0969 वैल्यू दिया है। ओके अब सब को सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 1845 वोल्ट। अब समझे आप हिसाब ये न्यूमेरिकल बेस का ब्यूटी समझे, वह जो लकड़ी है वो कलाकृति की जो लकड़ी है या जो लकड़ी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा रखा गया है वह लकड़ी कितना वर्ष पुराना है 1845 वर्ष पुराना है ना। तो कैसे निकालने समझ में आ गया हो, फिर समझिए रेडियो एक्टिव डीके जो है ना यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। जो लकड़ी आपको पूछ रहा है 2020 में इस लकड़ी का आयु क्या है, आप उसमें देखिएगा सी 14 कितना बचा हुआ,
जैसे ये हिसाब में दिया है कि 80% बचा हुआ, मान लीजिए आप जो लकड़ी चेक कीजिएगा हो सकता है उसमें 60% बचा हुआ है, तो ए माइनस एक्स के जगह 60 बैठा दीजिएगा, ओके ए माइनस एक्स के जगह 60 बैठा दीजिएगा, ये हिसाब में 80 है, 80 बैठा दिए। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है कितना मान लीजिए प्रारंभ में, यानी जिस समय लकड़ी जीवित था उस समय तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता होगा, उस फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा C14 क्या है प्लांट में आ रहा है ना, CO2 प्लस H2O जो है रिएक्ट करेगा क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लांट में आएगा ना, तो C14 इस तरह से क्या होगा जीवित वृक्ष में आते रहेगा। तो मान लीजिए शुरू में कितना है 100, और जो लकड़ी बहुत पुराना है उस समय देखे लकड़ी में C14 कितना बचा हुआ है 80, 80 बैठा दीजिए माइनस एक्स के जगह, ये 100 दिए, हाफ लाइफ दिया है, हाफ लाइफ से क्या निकालेंगे के सब का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए कितना आ रहा 1845 वर्ष, यानी वह लकड़ी जो है कितना पुराना है 1845 वर्ष। कहीं कोई दिक्कत समझ में बताओ, एनी प्रॉब्लम, 1 2 3 4 आज चार न्यूमेरिकल बताए, इसी तरह से हम एक वीडियो में चार चार न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करेंगे। हम फिर बोल रहे हैं कि हम जितना न्यूमेरिकल बता रहे हैं और फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बता देंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी न्यूमेरिकल आपको फिजिकल में हमारे वीडियो से बाहर नहीं आएगा। स्पेशली हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, अभी जो हम बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, चूँकि फरवरी के फर्स्ट वीक में संभवतः एग्जाम होती है, उसको ध्यान में रख के हम आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। ओके, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। थैंक्स।